तो दोस्तों, तो फिर एक बार आ गए हैं एक नया वीडियो लेके एक नए प्लेस पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज एक नए प्लेस पे लेके आया हूँ, आप पीछे में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा ताता पानी गर्म जल, जो कि बलरामपुर ज़िला में है। तो मैं खुद देखने आ गया हूँ कि आखिर यहाँ क्या है। और जैसे मैं सुना हूँ कि यहाँ पे नीचे से जो है वो गर्म पानी निकल रहा है। तो आज मेरे साथ साथ आप सभी को दिखाता हूँ कि यहाँ देखने लायक क्या क्या है। यहाँ का एक बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, हर हर महादेव। और यहाँ पे हमेशा आपको टूरिज्म टूरिस्ट सब देखने को मिलेगा, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। शायद आज कुछ प्रोग्राम है वहाँ पे, टेंट वगैरह भी लगा है। पूरा पानी में भी देख सकते हैं पीछे में काफ़ी लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और पानी गिरना भी स्टार्ट हो गया, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पानी गिर रहा है, पूरा तिरपाल वगैरह लगना चालू हो गया है। यहाँ पे दो टाइगर, हर हर महादेव। तो आप देख रहे हैं पानी गिरना चालू हो गए हैं और कितना मज़ा है। अरे भागो भागो भागो, कहाँ जा रहे हो? ओ दीदी, वर्षा अच्छे बढ़ जाओ, बरसात से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए। तेज बारिश गिर रही है, बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा पानी में भीग के उकर के वीडियो शूट करना पड़ रहा है। दौड़ रहे हैं, देखने दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, बाप रे भीग गया भाई। काफी ठंड भी लग रहा है, कपड़े भी सारे भीग चुके हैं, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टोपी पहना हुआ। क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है। तो और दिखाते हैं पीछे, कैंटीन वगैरह सारा चीज है। अभी थोड़ा हल्का हल्का पानी रुक चुका है। और ये आपका संक्रांति पर्व ताता पानी, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े मछलियाँ भी हैं जो अभी दिखेंगे नहीं। और ये हमारे भोले बाबा, कैमरे वगैरह में सारा में पानी घुस जा रहा है, लेकिन शूट तो करना ही है आप लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं बादल पूरा चारों साइड पूरा काला बादल किया हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से आप रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारा भोलेनाथ जी का फोटो वगैरह है। और आप देख सकते हैं दोस्तों लोग, और भी कुछ कुछ दिखाता हूँ कि यहाँ देखने लायक क्या क्या है, नहीं है। ये यहाँ पे काफ़ी ज्योतिर्लिंग वगैरह है, ये अंदर में आप देख सकते हैं, हर हर महादेव। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान किए हुए हैं, और यहाँ पूजा पाठ यहीं किया जाता है। ये यहाँ के महाराज जी हैं, ये बताया अपने को। और आप लोग जब भी यहाँ आते हैं तो इसका दर्शन ज़रूर करें, हर हर महादेव। आप देख सकते हैं मंदिर का पूरा बैकग्राउंड है, चारों तरफ महाकाल जी के फोटोज लगे हुए हैं, दिखने में बहुत मनमोहक और आनंदपूर्ण दर्शन हो रहा है। और आप देख रहे हैं छोटा सा गार्डन है जहाँ बच्चे आके खेलते कूदते हैं। और ये पीछे में आप देख रहे हैं ये पूरा हर्बल गार्डन है, जहाँ पे आपको हर्बल प्रोडक्ट आयुर्वेदिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। हर हर महादेव। तो भोले बाबा के दर्शन हो गया, और अब आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो
मेन चीज़ है जो बोलते हैं ताता पानी। ताता पानी मतलब गर्म पानी जो कि ऑटोमेटिक नीचे से निकल रहा है। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाया कि आखिर ये पानी कैसे निकल रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो मैं आप सबको दिखाता हूँ, आप सब बने रहे मेरे वीडियो पे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ सेल्फी लेना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन आप लोग को फिर भी दिखाता हूँ, 500 रुपये जुर्माना भी है। ये देखिए श्री राम कुंड ताता पानी आपको अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ से गर्म धुआं निकल रहा है, ठीक है। और आपको ये दिखा रहा हूँ माता सीता रानी कुंड गर्म जल स्रोत, और यहाँ से भी ये आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है और ये गर्म पानी है। और एक ये है लक्ष्मण कुंड, राम सीता लक्ष्मण कुंड, तीन कुंड है जहाँ आपको बारह मास यहाँ ठंडी में जब भी आए गर्म पानी मिलेगा। देखिए यहाँ धुआं भी निकल रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।